पहले मैं चाहता हूँ कि आरसीबी शुरू करें, क्योंकि दो तीन दिन हमारे साथ तीसरा दिन है आरसीबी, फिर अमित, फिर उसको हम समेटते हुए तो एक अच्छा रहेगा। आई विल नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आरसीबी आप सुनो। दिक्कत आ रही है जब बच्चे अपना कॉलेज ख़त्म करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, तो यही सबके मन में आशा होती है कि अब उन्हें एक नौकरी मिलेगी। बहुत लोग बहुत आगे ज़्यादा बहुत 5 साल 10 साल पढ़ाई करने का नहीं सोचते, वो सोचते हैं स्कूल ख़त्म करेंगे। माँ बाप भी ये चाहते हैं बच्चे ग्रेजुएशन करें, उनको नौकरी मिले। और पहले बहुत आसान था, 10-20 साल पहले अगर किससे पूछेंगे तो बोले कि हाँ नौकरी अगर चाहिए तो बस ग्रेजुएशन कर लो, बीए पास कर लो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको नौकरी मिल जाएगी। एमए पास, एमफिल, पीएचडी में बहुत ज़्यादा डिग्री बड़ी मानी जाती थी, पर अब वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। और जो आरटी फोरम थे वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिटायर्ड आई थी सीनियर मैम प्रोफेसर अनिता रामपाल जी, तो उन्होंने बताया कि वो खुद देख रही हैं कि हर 2 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए नए प्लान्स लाए जा रहे हैं। पहले उनका नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्लान था, फिर उसके बाद CBCS आया, वो 2-3 साल चला, फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल पहले एक LOCF प्लान किया जिसमें उन्होंने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, और अभी इस साल उन्होंने फिर एक नया निकाला। तो आप देखिए कि हर 2 साल में वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, और वो इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि इवन वो पढ़ने के बाद जब बच्चे निकल रहे हैं उनके पास नौकरी नहीं है। तो अगर आप हर 2 साल में नए नए चेंजेस ला रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या है? बच्चे अगर आपको लग रहा है कि पिछले वाले में कुछ गलतियां थी, इतना अच्छा नहीं था, तो अगर आप नया भी कुछ ला रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? और अगर वो इतना अच्छा था तो आप हर 2 साल में क्यों चेंज कर रहे हैं? अब आप ये देखिए कि उन्होंने अब नया जो निकाला है उसमें है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 4 साल की कर दी है, जिसमें आखिरी साल जो है वो रिसर्च को दिया जाएगा, ताकि उसके बाद बच्चों को एमए करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो 4 साल का या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके सीधा वो PhD कर सकते हैं। एंड इसी साल उन्होंने MPhil को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करके हटा दिया, उन्होंने बोला कि MPhil की डिग्री बिल्कुल यूजलेस है और बच्चों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जबकि दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में MPhil एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिग्री है जो कि PhD के लिए एक तरह से एक बेस क्रिएट करती है। तो मुझे बेसिकली यही लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, और इसीलिए जो कोर्सेज हैं वो इस तरह से क्रिएट होने चाहिए जो कि बच्चों को आगे जब वो अपनी डिग्री ख़त्म करें उनके पास जॉब हो। सिर्फ डिग्रीज चेंज करना या कोर्सेज बदलने से नहीं होगा, उनके लिए उस टाइप के क्यूरेटेड जॉब्स होने चाहिए कि अगर इंसान ये डिग्री ख़त्म करता है, उसने ये चीज़ें सीखी हैं, तो फिर वो आगे उनका क्या यूज़ क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जिसमें उन्होंने थ्योरी के अलावा कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए, वोकेशनल कॉलेज सेटअप किया जिससे बच्चों को ऐसे जॉब्स ओरिएंटेड बनाया जाए। उन्होंने डिग्री बना दी, उन्होंने कॉलेज बना दिया, पर उन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। वो डिग्री लेके निकल जाते हैं वोकेशनल कॉलेजेस से, उसमें स्किल डेवलपमेंट में IT है और डिज़ाइनिंग है, तो उनके पास स्किल है बट उन्हें जॉब कौन दे रहा है, उस स्किल का फ़ायदा क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि अगर IYF का दिल्ली का अगर एक बनता है एक फोरम, एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से, तो फिर उनका जो थोड़ा फोकस हो वो स्टूडेंट्स की जॉब पर हो, ताकि जब वो ग्रेजुएशन अपनी ख़त्म करें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे देश से बच्चे आते हैं पढ़ने और वो यहाँ रहते हैं, कई यहीं रुक जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पढ़ाई की है तो उन्हें यहाँ पर जॉब भी मिले। तो मुझे ये लगता है कि हमें इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि जो यूथ है उनको बताया जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है, आप इसको पढ़ने के बाद आप क्या किस टाइप की जॉब करना चाहेंगे, और फिर उनसे ही बात करके हमें आइडियाज़ मिलेगा कि किस टाइप का हम प्रपोजल आगे दिल्ली गवर्नमेंट से आगे अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि ये बच्चे हैं, इनके पास ये स्किल है, ये पढ़ रहे हैं, तो
टाइप की नौकरी भी होनी चाहिए।